इंडिया क्रिकेट टीम के कप्तान और बॉलीवुड की बेहतरीन एक्ट्रेस अनुष्का और विराट फाइनली शादी के बंधन में बन गए हैं। उन्होंने शादी करके लोगों और अपने फैंस को खुश तो करा है, लेकिन कहीं न कहीं उनका दिल भी दुखाया है। इटली के टस्कनी में दोनों ने अपने परिवार और खास दोस्तों के बीच सात फेरे लिए और सात जन्मों तक साथ रहने की कसमें खाई, लेकिन सबके मन में एक ही सवाल है कि दोनों ने इतनी दूर जाकर के शादी करने का फैसला क्यों किया। लेकिन उसके पीछे की वजह जानकर के आप भी शायद हैरान हो जाएंगे। दोनों के दूर जाकर के शादी करने की वजह एक शख्स है जिसके कहने पर ही दोनों ने इटली में शादी की, और वो है अनुष्का के मेंटर और जाने माने फिल्म मेकर आदित्य चोपड़ा ने भी इटली में ही रानी मुखर्जी के साथ शादी की थी। और खबरों की माने तो ये उनका ही आइडिया था कि विराट और अनुष्का इटली में शादी करें। उन्होंने दोनों को सलाह दी कि यहाँ यानी कि भारत में शादी करने से ये मीडिया की वजह से तमाशा भी बन सकता है। ये उनका ही आइडिया था कि विराट और अनुष्का इटली में शादी करें। उन्होंने दोनों को सलाह दी कि यहाँ शादी करने से ये मीडिया की वजह से तमाशा भी बन सकती है। वेल, आपको बता दें कि 21 दिसंबर को दिल्ली में अपने रिश्तेदारों के लिए रिसेप्शन रखने वाले हैं। वहीं 26 दिसंबर को फिल्मी और बॉलीवुड की कई हस्तियां मुंबई में विराट और अनुष्का के साथ जश्न मनाएंगी। फिलहाल तो दोनों अपने हनीमून के लिए साउथ अफ्रीका जा रहे हैं। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।